हेलो स्टूडेंट क्लास यू के जी। चलिए हम लोग आज देखते हैं ए की मात्रा। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे आप, याद है आपको? नहीं, भूल गए आप। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे हृदय उदार बनाओ, मतलब पढ़े थे ना, ये हम लोग पढ़े थे हृदय उदार बनाओ। इसको पढ़ने के बाद आप लोग क्या किए थे, ये क्वेश्चन आंसर सब पोस्ट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ते हैं क्या, रेल चली। क्या पढ़ेंगे हम लोग, रेल चली। ठीक है, रेल चली भाई, रेल चली छुक छुक करती रेल चली, बेला चेतन मेघा आते सारे मिलकर धूम मचाते, सरपट भागे इनकी रेल, रेल कराती सबका मेल। कितनी अच्छी कविता दी हुई है, नहीं? चलिए देखिए क्या है, रेल चली भाई रेल चली। आप लोग खेलते हैं ना घर में रेलगाड़ी, रेलगाड़ी एक का कंधे पर हाथ रख के, एक के कंधे पे आकर हाथ रख के हम लोग रेल बना लेते हैं, और सभी मिलकर क्या बोलते हैं, रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली, बेला चेतन मेघा आते सारे मिलकर धूम मचाते, सरपट भागे इनकी रेल, रेल कराती सबका मेल। नहीं, तो रेल कराती सबका मेल। तो इस तरह से ये कविता आप लोग भी पढ़िए, घर में आप लोग भी पढ़ पढ़ कर खेलिए। फिर एक बार हम लोग पढ़ते हैं, रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली, बेला चेतन मेघा आते सारे मिलकर धूम मचाते, सरपट भागे इनकी रेल, रेल कराती सबका मेल। ध्यान दीजिए, इसमें जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें एकार की मात्रा के कारण ऐसा आपका कविता तैयार हुआ है। जैसे रेल, रो एकार लो रेल, नहीं? फिर देखिए, बेला चेतन मेघा आती, सभी में एक आर की मात्रा लगा हुआ है, सारे धूम मचाते, देखिए सारे धूम मचाते मतलब सभी क्या मचा रहे हैं, धूम मचा रहे हैं, सरपट भागे एक आर की मात्रा, यहां भी एक आर की मात्रा, सब जगह एक आर की मात्रा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, आपको दिया हुआ है क्या, ध्यान दीजिए, मेला क्या है, मेला। ठीक, महेश राजेश चेतन तथा बेला मेला देखने गए, ये ऐसा नाम है कि सभी मात्र नाम में एक आर की मात्रा है। महेश में हो में देखिए एक आर की मात्रा है, राजेश में एक आर की मात्रा लगा है, और देखिए मेला में ही तो एक आर की मात्रा लगा हुआ है ना, लगा हुआ, इसीलिए इसको दिया गया है आपको, हम एक आर की मात्रा पढ़ा रहे हैं। महेश राजेश चेतन तथा बेला मेला देखने गए, सबने नए कपड़े पहन रखे थे, मेले में सर्कस भी लगा था। तो जब हम लोग मेला जाते हैं तो क्या पुराना कपड़ा पहन के जाते हैं? अभी देखिए फिर मेला आने वाला है, दुर्गा पूजा आने वाला है, क्या कोई पुराना कपड़ा पहन के जाइएगा मेला देखने के लिए? बिल्कुल नहीं जाइएगा। पापा को मम्मी को सबको बोलिएगा हम नया कपड़ा लेंगे, वैसे भी पापा मम्मी तो देते ही है पूजा में कपड़ा, आपको बाजार ले जाते हैं, दुकान ले जाते हैं, मॉल ले जाते हैं, आपकी जो इच्छा होती है सुंदर सुंदर कपड़े आप खरीदते हैं और उसे पहन के आप मेला जाते हैं। तो वही यहाँ पे है, महेश राजेश चेतन तथा बेला मेला देखने गए, सबने नए कपड़े पहन रखे थे, मेले में सर्कस भी लगा था, वे टिकट लेकर भीतर गए। तो देखते हैं कि सर्कस जब मेला में लगता है तो ऐसे तो आपको जाने देगा नहीं, हम लोग पहले टिकट खरीदते हैं उसके बाद हम लोग जाते हैं सर्कस देखने के लिए, नहीं? सबने सर्कस के मजे लिए, सर्कस जब हम लोग देखने जाते हैं तो उसमें बहुत अधिक मजा आता है, नहीं? उसके बाद देखिए क्या दिया है, बेला ने जादू के खेल देखे। देखिए यहाँ तो यहाँ भी देखते हैं हम लोग ना, कि बासुकीनाथ में भी देखते हैं आप लोग, आता है ना मेला, और उसमें भी सर्कस दिखाता है, जादू दिखाता है, नहीं? तो चेतन ने जलेबी खाई, मेले में हम जब जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो खाते ही हैं, तो यहाँ तो चेतन क्या खा रहा है, जलेबी खा रहा है। लेकिन आप क्या खाना पसंद करते हैं, चाउमीन चाट गुपचुप खाते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर बात है किसकी, चेतन की, उसको जलेबी पसंद है तो वो क्या खा रहा है, जलेबी खा रहा है। चेतन ने जलेबी खाई और महेश ने भेलपुरी खाई। ठीक है, मेला देखने रेशमा आई थी, रेशमा भी एक लड़की है, वो भी मेला देखने आई थी, उसे मिलकर सब बड़े खुश हुए।
तो उससे मिलकर रेशमा को अचानक देखा, उसकी दोस्त थी वो, तो उसको सबों को बहुत खुशी हुई। हाँ, और सबों ने मिलकर काफी खुशी मनाई, सबने मेले में खूब मजे किए। सूरज डूबने से पहले ही वे घर वापस चले आए, क्योंकि तो गांव देहात में क्या होता है कि बहुत दूर मेला लगता है और रात में आने में परेशानी होती है, इसीलिए जैसे ही सूरज ढलने को हुआ वो सब कहाँ आ गए, मेला से घर आ गए। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे इसका। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहां देखिए दिया हुआ है आपका शब्द को पूरा करना है। ठीक है, यहां जो है क्या करना है, शब्द को पूरा करना है। यहां देखिए आपको दिया हुआ है ना, हो खाली जगह ली, तो यहां क्या भरेंगे हम लोग, थ एकार का है तो एकार की मात्रा है, सब जगह एकार की मात्रा ही भराएगा। हथेली क्या भरेंगे इसमें, हथेली। अब को है खाली जगह है, लो आकार की मात्रा है तो करेला नहीं। तो इस प्रकार के से हम लोग भरते जाएंगे, यहां पर क्या है खाली जगह है, तौली केतली भरेंगे इसमें। ठीक है, तो इस तरह से आप सब अपना भरिएगा। नंबर दो में देखिए क्या दिया हुआ है, आप ध्यान दीजिए, अब खाली जगह को आपको भरना है। ठीक है, यहां क्या है देखिए, छुक छुक करती डैश चली, तो यहां देखिए यहां जगह दिया हुआ है आपको, ये देख रहे हैं ना, यहां पे खाली जगह को भरने के लिए यहां पर बॉक्स में कुछ सब दिए हुए हैं, चेतन सरपट धूम रेल, इसी में से आपको इसमें भरना है, क्या क्या भराएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, छुक छुक करती डैश चली, क्या चली, यहां खाली जगह में देखिए क्या दिया हुआ है, रेल दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, छुक छुक करती रेल चली, बेला डैश मेघा आते नहीं, सारे मिलकर डैश मचाते, डैश भागे इनकी रेल। देखिए बार बार तो अब हम नहीं बताएंगे आपको, अब आपको पढ़कर अपने से इसका आंसर लिखकर पोस्ट करना है, क्योंकि तो इसके पहले आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, अब आगे देखिए फिर दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है देखिए यहां पर, कंचा तो कंचे बनाइए, केला दिया हुआ है तो क्या बनाएंगे, केले बनाएंगे नहीं। उसके बाद देखिए यहां क्या दिया हुआ है, तारा दिया हुआ है तो क्या बनाएंगे, यहां से तारे बनाएंगे। कपड़ा दिया हुआ है तो क्या बनाएंगे, यहां से कपड़े बनाएंगे नहीं। अब फिर देखिए ध्यान से, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दो। ठीक है, यहां देखिए प्रश्न दिया हुआ है आपका, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मेला देखने कितने बच्चे गए थे, जितने बच्चे गए थे सबों का आप गिन लीजिए, उसको आंसर लिखिए यहां पर, यहां आंसर लिखना है आपको। ठीक है, मेले में बच्चे ने सबसे पहले क्या देखा, बच्चे ने जो सबसे पहले देखा उसको यहां भरना है आपको। जलेबी किसने खाई, मालूम है ना आपको जलेबी किसने खाई, जिसने जलेबी खाई उसका यहां नाम लिखिए आप। और मेले में बच्चों को कौन मिल गया, कोई मिला था ना मेला में, जो मिल गया था उसका यहां आपको नाम लिखना है, हम तो बताएंगे नहीं, आप लिखिएगा उसको हम चेक करेंगे। ठीक है, अब है नीचे आगे देखिए पांच नंबर में, जो फल आपको पसंद है उस पर सही चिन्ह लगाओ, क्या लगाना है हमको, ये सही चिन्ह लगाना है, जो फल आपको पसंद है। तो ध्यान दीजिए इसमें सब अलग अलग लिख सकते हैं आंसर, जैसे यहां नारंगी है, सेब है, लीची है, अनार है, तो आपको मान लीजिए हमको पसंद है आम और आपको पसंद है लीची, तो आप तो लीची लगा सकते हैं, इसीलिए इसमें सबका आंसर अलग अलग हो सकता है, आपको जो पसंद है आंसर उसमें आप लगाइए। देखिए सब फिगर ध्यान से दीजिए, दिया हुआ है ना सबका फोटो, सबको ध्यान से देखिए, और जो आपको सब फल पसंद है उसमें टिक लगाइए, जो पसंद नहीं है उसको हम छोड़ देंगे। अब यहां पर देखिए छह नंबर में क्या दिया हुआ है, मिलान करना है आपको। ठीक है, यहां देखिए केला है ये, तो केला से हम लोग यहां से केला से इसको मिलान कर देंगे। ये क्या है देखिए, देख रहे हैं ना, बेल है तो इसको यहां से मिला देंगे। ये ठेला है तो ठेला को ठेला से यहां से, ये ध्यान दीजिए केकड़ा है तो केकड़ा को केकड़ा से मिला देंगे। ठीक है, यहां पर देखिए जलेबी है, जलेबी से जलेबी मिला देंगे नहीं। ये देखिए नेवला है तो यहां आपका नेवला आ गया, यहां से टांग के इसको नेवला में लगा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां तक आपको सबको बनाकर पोस्ट करना है, और देखते हैं कौन बच्चे कितने मार्क्स लाते हैं, सभी क्वेश्चन में हम आपको दो दो मार्क्स देंगे, जो बच्चे सबसे अधिक साफ सुथरा लिखिएगा उसको अधिक नंबर आएगा। ओके,